बहुत सारे बच्चे डिसअपॉइंट होंगे एनटीए की इस हरकत की वजह से कि क्यों उन्होंने बहुत टाइम से मेहनत की हुई है। कोई कोई दो दो साल के रिपीटर्स हैं, ड्रॉपर्स बच्चे हैं, फाउंडेशन बैचेस के बच्चे हैं। सो हेलो एवरीवन, दिस इज निशी एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ टॉपर्स एकेडमी। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन, या हम कह सकते हैं एक हियरिंग था 8 जुलाई को, जिसमें नीट की काउंसलिंग और नीट के पेपर जो लीक हुआ है और एनटीए की तरफ से जितनी भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं स्टूडेंट्स के रिजल्ट को लेके, उनके एवेल्यूएशन को लेके, उनके मार्क्स को लेके, और कैसे कैसे ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं, बच्चों का क्या नुकसान हुआ है, बहुत सारी चीज़ें हैं बच्चों के माइंड में अभी जो बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। उसी के रिगार्डिंग 8 जुलाई को हियरिंग था कि 6 जुलाई को काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली थी, बट एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पे या एनटीए की तरफ से कोई भी ऐसा ऑफिशियल नोटिफिकेशन हमें सुनने में या देखने में नहीं आया जिससे ये पता चल सके कि 6 जुलाई को हमारा काउंसलिंग या फिर कोई भी ऐसा डिसीजन अगेंस्ट द एनटीए प्रूव हुआ हो 8 जुलाई की कोर्ट ऑफ हियरिंग में। ठीक है, 8 जुलाई को हुई थी बट कुछ नहीं हुआ, उसे क्या कर देगा इनडायरेक्टली, उसको 18 जुलाई तक के लिए पोस्टपोन कर दिया। लाइक अब दूसरी जो हियरिंग होगी फॉर द सुप्रीम कोर्ट के लिए नीट एग्जाम के रिगार्डिंग, वो अब 18 जुलाई को होगी। सो अब आप खुद देख सकते हो कि कितना टाइम वेस्ट हो रहा है इन चीज़ों में। कहाँ हमारी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाती थी इस बार, ना काउंसलिंग का कुछ अता पता है कि होगी भी या नहीं होगी, पेपर दोबारा होगा कि रीनीट का एग्जाम दोबारा होगा या नहीं होगा, ये भी हमें अभी कुछ भी नहीं पता है। बस ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी हियरिंग को पोस्टपोन कर दिया फॉर 18 जुलाई अगेन। अब क्या है, बहुत सारे बच्चों के दिमाग में चीज़ें हैं कि एक तो उनका टाइम वेस्ट भी हो रहा है बहुत सारे बच्चे, क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने बात की थी ये भी चाह रहे थे कि दोबारा से नीट का एग्जाम होना चाहिए। कुछ बच्चे थे कि वो नहीं चाह रहे नीट हो दोबारा से क्योंकि उनके बहुत अच्छे मार्क्स आए हुए थे। यहाँ ही कुछ बच्चे ऐसे थे कि जिन्होंने मेहनत बहुत की थी बट उनके अकॉर्डिंग उनको ग्रेस मार्क्स मिले ही नहीं, तो वो चाहते थे दोबारा से पेपर हो या फिर दोबारा से उनकी शीट्स का, ओएमआर शीट्स का इवैल्यूएशन दोबारा से किया जाए। बट ये अभी जो हियरिंग हुई थी 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में, ऐसा कुछ भी एविडेंस नहीं आया अगेंस्ट द एनटीए, अगेंस्ट एनी बॉडी के प्रूव हो सके कि कुछ भी गलतियां हुई थी, ऐसा कुछ भी हमें क्लियर कट चीजें नहीं सुनने को मिली कि अब ये होगा कि काउंसलिंग होगी कि इनको अभी होल्ड पे रखा गया, बस पोस्टपोन कर दिया है आपकी हियरिंग को 18 जुलाई। वो भी फिक्स नहीं है कि 18 जुलाई को आपको दोबारा से कोई डिसीजन आएगा या कोई चीज़ प्रूव होंगी या हमें कोई अच्छी चीज़ें पता करने को पता मिलेंगी, पता पड़ेंगी हमें कोई चीज़, ऐसी कुछ भी न्यूज़ अभी नहीं दी गई है। बस इतना बोला गया है कि 18 जुलाई को दोबारा से हियरिंग हो। तो सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है फॉर विद ऑल द स्टूडेंट्स के 2025 का जो नीट का एग्ज़ाम है उसमें अच्छा परफॉर्म अगर करना है दोबारा से अपने आप को। अब पता है देखिए, पहली बात तो ये कि एग्ज़ाम हो चुका है आपका, आई नो बहुत सारे बच्चों का मॉरल डाउन होगा, बहुत सारे बच्चे डिसअपॉइंट होंगे एनटीए की इस हरकत की वजह से कि क्यों उन्होंने बहुत टाइम से मेहनत की हुई है। कोई कोई दो दो साल के रिपीटर्स हैं, ड्रॉपर्स बच्चे हैं, फाउंडेशन बैचेस के बच्चे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। बट अब उन्हें क्या करना है कि उन्हें अपने माइंड को स्थिर करना है, लाइक मेक योर सेल्फ स्टेबल। और एक चीज़ को ध्यान में रखो कि अगर ये टाइम निकल गया, अगर इन चीज़ों में रहोगे, ऐसा नहीं है कि आज अपडेट आया, हो सकता है 18 जुलाई तक तो कोई और अपडेट भी आपके सामने, बहुत सारे बच्चे इसी उसमें रहते कि आप बहुत सारे चैनल्स पर ये वीडियो आएगी, ये अपडेट सुनने को मिलेगा, वो अपडेट हमारे पास आया है, इसी में रह जाओगे, उलझे रहोगे, तैयारी नहीं कर पाओगे। हो सकता है नीट एग्ज़ाम हो ही ना, ठीक है, हो सकता है दोबारा इनका एग्ज़ाम हो, और जो बच्चे लाइक अभी 2025 के लिए प्रिपेयर करने वाले हैं भाई वो भी तो तैयारी करो, अभी से स्टार्ट कर दो करना, इसी चीज़ में उलझे रहोगे तो ना 24 हाथ आएगा जो कि उसका पता ही नहीं है कुछ होने वाला भी है या नहीं, कि काउंसलिंग भी होगी या नहीं होगी, या पेपर दोबारा होगा या नहीं होगा, इसके अच्छा इसके वजह से आप अपना 2025 का एग्ज़ाम क्यों ख़राब कर, यही टाइम है आपकी तैयारी करने का। तो इन सब चीज़ों से बाहर निकलिए, अपडेट्स तो आते रहेंगे, हर कहीं से आपको अपडेट्स सुनने को मिलेंगे, हम भी आपको अपडेट्स देंगे, बट बी श्योर कि ये टाइम वेस्ट ना हो, अपनी 2025 के नीट के एग्जाम के लिए आप अपनी तैयारी शुरू कर दो, क्योंकि अभी बहुत टाइम है इन चीज़ों में, और इस कोर्ट की चीज़ों में बहुत टाइम लगता है, बहुत वक्त लगता है इन चीज़ों को सॉर्ट आउट होने में, कोई फैसले आने में, डिसीजन अभी बहुत दूर है। तो स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम, अपना नीट 2025 पे फोकस कीजिए, क्लासेस ज्वाइन कीजिए, सेल्फ स्टडी करना है तो सेल्फ स्टडी कीजिए, स्ट्रैटेजीज बनाइए, जो कमी 2024 में
की हैं अगर आपने कोई भी, वो 2025 में रिपीट ना हो और मेहनत कीजिए. बट जस्ट डोंट वेस्ट योर टाइम इन दीज अपडेट्स के कब क्या अपडेट आएगी, सुप्रीम कोर्ट का क्या वर्डिक्ट रहेगा, उसमें टाइम वेस्ट ना कीजिए. अपनी 2025 की प्रिपरेशन पे फोकस कीजिए. सो दैट्स ऑल. थैंक यू वेरी मच.